समस्तीपुर जिला के हसनपुर में दूधपुरा बाजार किराना व्यवसायी मुकुललाल गोलीकांड में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जख्मी दुकानदार मुकुललाल के भाई राकेश लाल ने हसनपुर थाना में लिखित आवेदन दिया था। घटना की उद्भेदन पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के द्वारा टीम गठन करके किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज में आए अपराधियों के हुलिया के आधार पर लगातार छापेमारी किया गया। इसी क्रम में दूधपुरा बाजार से सुपारी देकर हत्या कराने वाले व्यक्ति विकास कुमार उम्र 30 वर्ष को दूधपुरा बाजार थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा इस घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया गया और 2 लाख रुपए देकर किराना व्यवसायी मुकुललाल की हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकारा गया। हसनपुर थाना अंतर्गत मंगलगढ़ मैदान में अपराध की योजना बनाते हुए 6 अपराधी को अवैध अग्निशास्त्र और घटना में उपयोग किए गए मोटरसाइकिल को छापेमारी कर बरामद किया गया और 2 अपराधी अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। 6 गिरफ्तार अपराधी के द्वारा मुकुललाल गोलीकांड की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शहरयार अख्तर ने बताया कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूर्व में भी अपराधी सब जेल जा चुके हैं और गिरफ्तार अपराधी को जेल भेज दिया गया है। भाई ने दिया अज्ञात अपराध कर्मियों ने इस तरह घटना को अंजाम दिया है, लेकिन हम लोगों ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे और कुछ अन्य आधार पे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था 13 तारीख को, जिसका नाम है विकास कुमार दूधपुरा विकास कुमार पिता ओम प्रकाश लाल दूधपुरा। तो इनसे और जो जिनको गोली लगी है मुकुललाल को, दोनों का कमेटी के पैसे को लेके कुछ विवाद था। करीब 5 या 10 लाख रुपए का विवाद था उन लोगों के बीच में। तो उसी पैसे को लेके उसने मतलब योजना बनाई और वहाँ के कुछ लोकल लोगों से संपर्क करके मतलब इस घटना को अंजाम कारित करने के लिए शामिल जो लोग थे उसमें जो है घटना करने के लिए शूटर को बाहर से बुलाया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखा होगा जो है मोटरसाइकिल से 3 अपराधकर्मी भाग रहे हैं और दुकान पे 2 गोली चला रहे हैं। तो जो पिस्टल से गोली चलाने वाला है वो राहुल कुमार उर्फ पनिया, ये आपको शाकमोहन विभूतिपुर का रहने वाला है, और दूसरा है मनीष कुमार, ये हिरमिया का रहने वाला है। ये दोनों बाहर से आए थे और साथ में मन्नू कुमार है जो पल्सर मोटरसाइकिल को चला रहा था लेके भागने में, और ये पल्सर मोटरसाइकिल भी विभूतिपुर थाना अंतर्गत राम बाबू नाम के लड़के से ये लोग लेके आए थे, वो मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया। और कल ही जो है ये पूरा ग्रुप जो है किसी बड़े अपराध की योजना बनाने के लिए दूधपुरा मंगलगढ़ मैदान में इकट्ठा हुए थे, जिसमें करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 देसी पिस्टल है और 4 गोली है, ये बरामद किया गया है।